बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में नाम बाइसिंग क्यों रखा? देखो, बाइसिंग का मतलब कहीं ना कहीं फेवर करना, तो किसी को तो फेवर मिलने वाला है इसमें, तो हम क्या करने वाले हैं? अब बाइसिंग करेगा कौन? बैटरी करेगी। अब हम क्या करने वाले हैं? हम पीएन जंक्शन लेंगे। पीएन जंक्शन के अंदर हम ये चाहते हैं कि करंट इसमें कैसे कंडक्ट करेगा, वो देखना चाहते हैं, इसमें करंट कैसे जाएगा। या फिर ऐसे सही कि पीएन जंक्शन क्रिएट हो चुका है, डिप्लीशन लेयर बन चुकी है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल जा नहीं पा रहे जंक्शन की तरफ, अब वो जा पाए, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी बाहर से? बैटरी। अब बैटरी लगाने के दो तरीके होते हैं। बैटरी लगाने का पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई पीएन जंक्शन है और आपने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, सच दैट ये पी है और ये एन है, व्हेन पी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव और एन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो मैं बताता हूँ इसको ऐसे फॉरवर्ड क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न है फॉरवर्ड बाइसिंग। उसी तरीके से अगर ये पी है और ये एन है और पी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, एन इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, तो ये कौन सी बाइसिंग है? ये रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग किसे बोलते हैं? जब पी इस पी टाइप सेमी कंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है और एन विद नेगेटिव, और रिवर्स किसे बोलते हैं? विद पी विद नेगेटिव, एन विद पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा क्यों बोलते हैं उसका रीजन बताता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके साथ? बाइसिंग में फॉरवर्ड बाइसिंग किसे बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग को समझाने के लिए ये डायग्राम की बजाय मैं यहां से समझाता हूं। ये देखो फॉरवर्ड बाइसिंग समझने के लिए आप सपोज करो कि ये आपके पास कोई पीएन जंक्शन है, तो ये रहा पी और ये रहा एन डिप्लीशन लेयर, और आपने इसमें क्या लगाई? एक बैटरी। ये बैटरी लगाई आपने, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर है यहां तक? बैटरी लगा दी, पीएन जंक्शन है। अब पी के अंदर जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो क्या होते हैं? होल्स हैं, ठीक है। और उसी तरीके से एन के अंदर मेजोरिटी कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अब होता क्या, जैसे आपने इसमें बैटरी लगाई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन पॉजिटिव होल्स को क्या करेगा? रिपेल टुवर्ड्स द जंक्शन, कि जाओ जंक्शन को क्रॉस करो। और ऐसी नेगेटिव टर्मिनल भी क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। नो डाउट यहां पर वो दीवार बनी हुई है, वो अलग बात है, वो तो स्टैटिक चार्जेस हैं, आयंस हैं ये, पर ऐसा कुछ होगा। तो बैटरी ने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन और होल फिर जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और नो डाउट आप जो बैटरी की जो पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा रखेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन और होल क्रॉस कर पाए, ताकि सफिशियंट एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन होल के पास और वो जंक्शन को क्रॉस कर पाए। जैसे ही आप कनेक्शन करेंगे जंक्शन को, इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रॉस करेंगे, उसी टाइम ये डिप्लीशन लेयर जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। क्यों? डिप्लीशन लेयर होती क्या है? डिप्लीशन लेयर होती है कि जब इलेक्ट्रॉन और होल जहां पर मूव नहीं करते वो डिप्लीशन लेयर है, पर यहां तो मूवमेंट स्टार्ट हो गई, और जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो वो लेयर जो है वो थोड़ी सी पतली रखी जाए, बहुत पतली हो जाती है रादर, ये डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, ये थिन हो जाती है। इसका मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो गई है इलेक्ट्रॉन और होल्स की, तो दिखेगी भी नहीं आपको। क्लियर है यहां तक? अब होगा क्या, अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें, जैसे इमेजिन करो इस मान लो इसमें कुछ होल्स हैं, इसमें से अगर ये होल्स राइट जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आ रहे हैं तो ये जंक्शन पे रिकम्बाइन हो जाएंगे। रिकम्बाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन होल में जाके गिर जाएंगे और अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर लेंगे, तो ये तो मिल गए। अब थोड़ी देर में क्या होगा, पी के पास होल्स कहां बचे? होल तो चले गए, न्यूट्रलाइज हो गए, और एन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो होल में चले गए। अब यहां गड़बड़ हो गई, इक्वेशन खराब हो गई, क्योंकि पी का नाम इसलिए पी है क्योंकि उसके पास ज्यादा मेजोरिटी कैरियर होल्स हैं, होल तो रहे नहीं, और एन के पास इसलिए एन नाम है क्योंकि उसके पास मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो रहे नहीं, होल में जाके बैठ गए। तो अब जैसी, अब वापस चलते हैं, जैसी एक होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होता है, जैसी एक होल इलेक्ट्रॉन में कंबाइन होता है, उसी टाइम ये बैटरी क्या करती है? एक बॉन्ड, और ये जो दिख रहे हो ना वाइट, ये वाइट स्पेस नहीं है, ये सिलिकॉन सिलिकॉन के लाखों बॉन्ड्स हैं जो आपको दिख नहीं रहे, सेमीकंडक्टर है
और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये तो डोपेंट्स हैं, डोपेंट की बात हो रही है यहाँ तो। मेजोरिटी कैरियर किसकी वजह से है, डोपिंग की वजह से। अंदर तो सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड्स हैं जो ठीक ठाक बैठे हुए हैं, जो हमें दिख नहीं रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये इसलिए है क्योंकि इसमें पेंटावलेंट एटम डाल रखे हैं, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, और ये इसलिए है क्योंकि इसमें ट्राइवेलेंट एटम डाल रखे हैं, ये उसकी वजह से पॉजिटिव है। तो बाकी तो सिलिकॉन दिखाई नहीं रहा, वो तो न्यूट्रल अंदर पड़ा हुआ है, लाखों इसमें लाखों लाखों सिलिकॉन के एटम्स हैं। तो जैसे एक होल इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, उसी टाइम ये बैटरी यहां पे अंदर जो दिख नहीं रहा, एक बॉन्ड ब्रेक कर देगी सिलिकॉन का, एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देगी। जैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा उसी टाइम क्या रिलीज होगा, एक इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अपनी तरफ खींच लेगा और किसको दे देगा, रोटेट करके इसको दे देगा। इसने कहा था ना क्योंकि मेरा एक होल चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हो गए थे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, तो कहां से पूरी की, बैटरी ने सिलिकॉन का बॉन्ड तोड़ा फटाफट और इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया, तो इसका हिसाब पूरा हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन में जगह छोड़ के जाएगा, अपनी जगह क्या क्रिएट करेगा, होल, इसका हिसाब भी क्रिएट हो गया। अब सोचो फिर से हिसाब उतना ही हो गया जितना शुरू में था, फिर ये होल राइट जाएगा क्योंकि बैटरी को धक्का मारेगी और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा होल के साथ मिलेगा, मान लो 100 होल 100 इलेक्ट्रॉन को मिल गए, उसी टाइम 100 बॉन्ड तोड़ देगी ये बैटरी, 100 बॉन्ड तोड़ेगी, 100 इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे देगी और यहाँ 100 होल फिर क्रिएट हो गए। तो यानी कि बॉन्ड बनते जाएंगे और बॉन्ड टूटते जाएंगे, क्योंकि जब 100 होल 100 इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहे हैं तो बॉन्ड बन रहे हैं, साथ ही साथ उधर से 100 बॉन्ड टूट भी रहे हैं। तो बॉन्ड बनते जा रहे हैं और टूटते जा रहे हैं, और वही इलेक्ट्रॉन वापस रिकम्बाइन होते जा रहे हैं। यहाँ से तोड़ते रहो, फिर मिलाते रहो, फिर तोड़ दो, फिर मिला दो। तो इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी यहाँ से छीन के यहाँ से यहाँ दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन वायर में ऐसी है, तो करंट कैसे होगा, ऐसे होगा। तो इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो करंट ऐसे मूव करेगा। देखो मैं फिर से समझाता हूं एक बार। मैंने ये कहा कि इसके अंदर, इसके अंदर रिपीट करता हूँ, ये P है और ये N है और ये आपकी बैटरी है, ठीक है। अभी हिसाब में मान लो एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में, बस न्यूट्रल है ये सारा, सिलिकॉन के बॉन्ड तो पड़े हुए हैं। प्लस ने इस होल को यहाँ भेजना है, जंक्शन को क्रॉस करवाना है, नेगेटिव ने नेगेटिव को भेजना है, कंबाइन हो गए, हिसाब खत्म हो गया। इसके पास होल था, कहाँ गया, है ही नहीं, तो ये बैटरी बॉन्ड तोड़ देगी, अंदर से बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकालेगी, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव खींचेगा और वो बैटरी का काम है यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ देना, हिसाब पूरा इसका। जब ये इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ेगा तो अपनी जगह क्या ले आएगा, होल, हिसाब फिर से हो गया। अब फिर बैटरी इसको फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर अट्रैक्ट होंगे, फिर कंबाइन होंगे, फिर बॉन्ड टूटेगा, तो यही चलता रहेगा, तो यही टूटता रहेगा और यही बनता रहेगा। इमेजिन करो बस, ये तो एक बॉन्ड है, ऐसे मैंने ऐसे कई चलेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर जो इसमें लिखना कैसे है, ये भी तो बात है। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज क्या होती है, बैटरी की वोल्टेज को बोला जाता है यहां पर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। देखो इसमें बायसिंग हो रही है, किसकी बायसिंग हो रही है, बैटरी चाहती है कि जो बेचारे मेजोरिटी कैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे उनको मैं फायदा कर दूं, तो वो उसको फायदा एनर्जी देके फायदा कर रही है और जंक्शन को क्रॉस करवा रही है, इसलिए वर्ड बाइसिंग आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर को बैटरी बाइसिंग बाइस कर रही है। तो इसके अंदर द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर वी बी, क्योंकि एक बैरियर पोटेंशियल क्या है वी बी और बैटरी की वोल्टेज क्या है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ने क्या वो क्या चाहती है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की मेजोरिटी कैरियर क्रॉस हो जंक्शन के अक्रॉस, और बैरियर पोटेंशियल क्या चाहता है कि क्रॉस ना हो, इसलिए आपकी बैटरी की वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल की वोल्टेज को क्या कर रही है, अपोज। नेक्स्ट है, ड्यू टू इट पोटेंशियल बैरियर इज कंसिडरेबली रिड्यूस, पोटेंशियल बैरियर वी भी थोड़ा कम हो जाएगा और डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, थिन हो जाती है, ये मैंने आपको बताया। द मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन आर रिपेल्ड बाय नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू बैटरी बी एंड मूव टुवर्ड द जंक्शन। वगैरह बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है टूवर्ड द जंक्शन। सिमिलरली मेजोरिटी कैरियर होल्स पी रीजन आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होल्स को क्या करती है, रिपेल।
नेक्स्ट है, ऑन क्रॉसिंग द जंक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल कंबाइन विद ईच अदर. तो जैसे ही वो रिपेल करेगी बैटरी, होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, बहुत सारे क्रॉस करेंगे पर एक भी अगर होल इलेक्ट्रॉन को मिलता है, कोवलेंट बॉन्ड नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ब्रोकन. पॉजिटिव पी जंक्शन में एक बॉन्ड टूट गया एंड लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और वहां से होता हुआ एन रीजन में एंटर कर जाता है, जैसे मैंने समझाया. तो ये इसका प्रोसेस है, अपने वर्ड में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो एक्शन रिजल्ट्स इन अ न्यू होल, जैसे इलेक्ट्रॉन वहां से बॉन्ड से निकला तो एन रीजन में चला गया, अपनी जगह क्या छोड़ गया, होल छोड़ गया. और इस तरीके से ये जो है मोशन चलता है. मेजोरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं. मेजोरिटी कैरियर दैट इज सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल का करंट, इसका टोटल करंट होगा. तो इसमें इस करंट का नाम होता है फॉरवर्ड करंट. तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जो जंक्शन में पास करेगा उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट. और बैटरी की वोल्टेज को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज ने क्या प्रोड्यूस किया, फॉरवर्ड करंट. ठीक. तो इसके अंदर क्योंकि डिप्लीशन लेयर पतली हो जाती है, और इसके अंदर एक और खास बात, आप जो बैटरी की वोल्टेज है बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ऑटोमेटिक एन और जो इलेक्ट्रॉन और होल तो वैसे ही कंबाइन हो रहे थे बिना बैटरी के भी, वो तो अब रुक गए, शुरू शुरू में जो हो गए अब रुक गए थे. बैटरी की हल्की सी वोल्टेज आप अप्लाई करते हो ना फॉरवर्ड बायसिंग में, ज़्यादा नहीं की जरूरत, हल्की सी अप्लाई करते हो तो एनर्जी फटाफट मिल जाती है इलेक्ट्रॉन होल्स को और फिर से कॉम्बिनेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब वो कह रहे हैं, सिंस स्मॉल इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज शोज लार्ज इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, हल्की सी वोल्टेज बढ़ाते हो बैटरी की, मेजोरिटी कैरियर भागते जाते हैं जंक्शन की तरफ. तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या होती है, वी बाय आई. तो स्मॉल वी को अगर आप बैटरी को स्मॉल भी रखोगे तो करंट क्या हो जाएगा, लार्ज. तो अगर ये स्मॉल है ये लार्ज है तो रेजिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, लो. तो ओवरऑल जो जंक्शन है इसकी रेजिस्टेंस क्या मानी जाती है, लो. तो ठीक लिख रहा है ना, कि हल्की सी वोल्टेज बढ़ाने से करंट ज़्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या रहती है इसकी, लो. तो इसका रूल है कि रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन कौन सा बायस्ड होता है, इन फॉरवर्ड बायस्ड. ठीक है यहाँ तक. तो अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर उसका नाम है रिवर्स बायसिंग. रिवर्स बायसिंग में कुछ करना नहीं होता. रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि जब आप नेगेटिव को पी के साथ कनेक्ट करते हैं तो सारे मेजोरिटी कैरियर होल्स जंक्शन की तरफ जाने की बजाय उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव, और सारे इलेक्ट्रॉन जंक्शन पे जाने की बजाय पॉजिटिव इसे क्या करेगा, उल्टी डायरेक्शन में कर देता है. तो जंक्शन की तरफ, जंक्शन भी तो यही चाहता था, डिप्लीशन भी तो यही चाहती थी कि कोई इसको क्रॉस ना करे, और बैटरी भी यही चाहती है कि मेजोरिटी कैरियर इन्हें क्रॉस ना करें, राइट. तो बैटरी भी यही चाहती है और जंक्शन भी यही चाहता है कि इन्हें क्रॉस ना करें. तो डिप्लीशन लेयर इस केस में क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, थिक हो जाती है. तो रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर काफ़ी मोटी हो जाती है, क्योंकि बैटरी जो है अब किसे बायस कर रही है, जंक्शन को बायस कर रही है, डिप्लीशन लेयर को बायस कर रही है. पहले किसे फ़ायदा दे रही थी, मेजोरिटी कैरियर को, अब मेजोरिटी कैरियर को फ़ायदा नहीं दे रही. मेजोरिटी कैरियर को तो कह रही है चल जंक्शन तू ना भाग, अब दूर जा जंक्शन से. और डिप्लीशन यही चाहती थी कि, या बैरियर पोटेंशियल चाहता था कि इलेक्ट्रॉन और होल क्रॉस ना करें, अब ये उसको हेल्प कर रही है, पहले अपोज कर रही थी अब इसे हेल्प कर रही है. तो बायसिंग दोनों तरफ से है, किसको बायस करना है ये देखने वाली बात है. तो मेजोरिटी कैरियर तो इसमें बिल्कुल भी जंक्शन में जाता ही नहीं है, तो मेजोरिटी करंट इसमें क्या होता है, जीरो. फॉरवर्ड करंट क्या होगा इसमें, जीरो. बट कभी कभी ऐसा होता है पी के अंदर इक्का दुक्का, ज़्यादा नहीं, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर, और एन के अंदर इक्का दुक्का होल्स भी होते हैं. ये जंक्शन की तरफ भाग जाते हैं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल किया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को, तो ये थोड़ा सा करंट कंट्रीब्यूट करते हैं, पर ये ना मात्र करंट होता है, ये ना के बराबर ही है, बस ना ही है करंट. पर हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग कुछ तो करंट होता है. और तो करंट किसकी वजह से होता है, मेजोरिटी कैरियर की वजह से नहीं होता, किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, और माइनॉरिटी करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लो होती है. तो इसमें जो करंट है, इसमें जो रिवर्स बायसिंग है, इसके अंदर जो करंट है, पहला रूल, इसके अंदर डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, थिक. इसमें डिप्लीशन लेयर थिक हो जाती है और रेजिस्टेंस इसकी हाई रहती है. ठीक. इसके अंदर नेक्स्ट है, फ्यू माइनॉरिटी कैरियर इसमें क्रॉस करते हैं जंक्शन को,
और इस करंट को जो वो माइनॉरिटी कैरियंट जो कैरियर से पैदा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट, या इसको क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। इसको अंडरलाइन कर लो, रिवर्स करंट या लीकेज करंट। तो मेजोरिटी कैरियर की वजह से फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी करंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी करंट या फिर रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट। ठीक। और इसके अंदर रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन क्या होती है, हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। और आप ये लगा के चलो कि इसके अंदर जब आप बायसिंग करते हो रिवर्स में, मेजोरिटी करंट तो कुछ करंट में कंट्रीब्यूट करता नहीं, माइनॉरिटी होता ही बड़ा कम है। तो आप ये बोल सकते हो कि रिवर्स बायसिंग में डायोड करंट को पास नहीं होने देता, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है हाई, इसकी रेजिस्टेंस इतनी हाई हो जाती है कि ये करंट को पास नहीं होने देता। तो फॉरवर्ड बायसिंग में बढ़िया करंट होता है, मेजोरिटी करंट काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, और माइनॉर इसमें रिवर्स बायसिंग में मेजोरिटी करंट क्या रहता है, जीरो। तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है।